हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लगने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर अफिया से होंगे। कौन जीतेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस और या आम आदमी पार्टी? दोस्तों, इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च 2024 को अनाउंस किया है, यानी 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक ये इलेक्शन होंगे। लेकिन क्या दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है वो 1 से 2 डेज में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इंडिया में इलेक्शन जो है उनको डिवाइड किया है, यानी फेज 1 डिवाइस उसको डिवाइड किया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन है 1 अरब 41 करोड़ और रजिस्टर वोटर की जो तादाद है वो 97 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इनमें जो पोलिंग स्टेशन है वो 10 लाख से तजावुज कर चुके हैं, यानी 10 लाख पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटिंग होगी, वहाँ पर लोग जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि इंडिया में जो है वो 6 नेशनल पार्टीज़ है और इनमें जो शामिल है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो है पार्टी इनमें शामिल है। लेकिन बात यह है कि इनमें 57 ऐसी पार्टीज़ है जो स्टेट लेवल पर है, यानी स्टेट लेवल पर जो है वो कंपेन करती है, और अनरजिस्टर्ड जो उनकी पार्टीज़ है इंडिया में पार्टीज़ है वो 2700 से अबव है। लेकिन दोस्तों मैं इसी वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, जो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं उनको फेज 1 वाइज डिवाइड किया है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। जो फर्स्ट फेज़ है यानी 19 अप्रैल से उस पर ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है, उनमें जो है वो 102 सीट्स है और उनमें जो स्टेट है वो 21 स्टेट है। दूसरी बात यह है कि जो 26 अप्रैल को इलेक्शन हो चुका है फेज 2 का, यानी मैं इंडिया की इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो 89 जो है उसमें सीट्स थी और इनमें जो सॉरी उसमें 89 जो है वो सीट्स थी और 13 जो है उनमें स्टेट्स थी, यानी 13 स्टेट पर ये इलेक्शन हो रहा था। और इसके बाद जो दोस्तों 7 मई यानी आज से 2 दिन पहले उस पर इलेक्शन हो चुका है और ये सबसे बड़ा कहा जाता है कि इस पर जो सीट्स थी उनकी तादाद जो है वो फिलहाल फेज 1 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दूसरों जो जितनी स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा थी, यानी इनमें जो है 93 जो है वो सीट्स थी और ये 11 स्टेट्स पर उन पर इलेक्शन हो रहा था। इस तरह दोस्तों जो है वो 13 मई को जो है इलेक्शन जो आने वाला है उस पर इलेक्शन होगा, ये फेज 4 इलेक्शन कहा जाता है और ये इलेक्शन जो है 96 सीट्स पर होगा और इनमें जो स्टेट्स हैं वो 10 स्टेट्स इनमें शामिल है। इस तरह दोस्तों जो है वो 20 मई को फिर इलेक्शन होगा। लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये इलेक्शन इसने इतना डिवाइड क्यों किया है। दोस्तों इस वजह से किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो इसको फेज वाइज इसको कंप्लीट करना चाहता है। अगर वो इसको इकट्ठा कंप्लीट करेंगे तो इससे जो है वो मुश्किलात में इजाफा होगा और गवर्नमेंट जो है वो इसको सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेगी। तो 20 मई को दोस्तों जो इलेक्शन हो रहा है वो फेज 5 इलेक्शन कहा जाता है, वो 49 सीट्स पर है और उनकी अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वो 7 स्टेट्स पर फैला हुआ है। और इस तरह जो है वो फेज 6 जो है उनकी तादाद जो है वो 57 सीट्स की है और उनकी स्टेट्स की बात करें तो वो 7 सीट है। इस तरह जो आखिर में फेज 7 कहा जाता है ये 1 जून को ये मुनक्किद किया जाएगा, यानी 1 जून को ये वोटिंग की जो है कास्टिंग होगी और इनकी सीट्स की तादाद जो है वो 57 है और स्टेट्स की तादाद जो है वो 8 स्टेट्स है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आखिर कौन जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा या राहुल गांधी?